गरिमा किचन पैराडाइज में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए मिठाई बनाएंगे। मिठाई बनाने के लिए हमने गाजर लिया है, इसको कद्दूकस कर लिए हैं। अब चलिए मिठाई बनाते हैं। घी डाल दें इसमें। कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल दें। छः सात मिनट तक भून लें इसको। छः सात मिनट हो गया है भूनते हुए। अब इसमें दूध डाल दें। दो कप दूध डाला है इसमें। मीडियम गैस पर इसको चलाते हुए बीच बीच में गाढ़ा होने तक पका लें दूध को। दूध गाढ़ा हो गया है। अब इसमें चीनी डाल दें। एक कप चीनी डाल दें इसमें। मिला दें इसको। तीन चार मिनट तक इसको पका लें, बीच बीच में चलाते रहें। तीन चार मिनट हो गया है पकते हुए। अब इसमें नारियल का बुरादा डाल दें। दो कप हमने नारियल का बुरादा डाला है। अब इसको मिला दें। गाजर की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर दें। अब इसको निकाल लें। घी से ग्रीस कर दें इसको। आधा घंटा के लिए छोड़ दें इसको सेट होने के लिए। फिर इसको निकालते हैं। अब इसको निकाल लें। अब गार्निश करेंगे इसको।
आप इसको कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। अब इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।